देखेंगे कल का आ रहा है कुछ आ रहा है तो जल्दी पिक अप। थैंक यू सो मच दिलीप सर एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू हू आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। यह है इसके लिए मैं पहले दिन से आभारी हूँ। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो एक महान हस्ती है गाय पुरुष मेरे पति देव और दिलीप भैया और सभी बड़े उपस्थित बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। पहले माउथ कैंसर हुआ था टबैको से, जैसे उन्होंने टबैको छोड़ दिया था उसके बाद 5 ईयर के बाद उनको डिटेक्ट हुआ कैंसर, माउथ कैंसर। और जो टबैको वो लेते थे वो सेम टबैको भी मेरे हस्बैंड भी ले रहे हैं और मैं उनको काफी काफी हद तक कोशिश कर रही हूँ, बस उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं। डॉक्टर साहब आपकी वाइफ ही बैठी है। नहीं उनको क्लियरली बोलो आज मैं तुम से आई थी, टोबैको इज वेरी डेंजरस, ये बच्चे चाहिए तो छोड़ो। आई ट्राइड माय बेस्ट सर, एक्चुअली मेरे फादर का पूरा जो ऊपर तलवा जिसको बोलते पूरा निकाला, मतलब काफी थर्ड फोर्थ स्टेज में उनको निकाला है एंड आई सॉ हिम लाइक टेरिबली, मतलब तो एक चीज कर सकते हैं अगर वो छोड़ते नहीं तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसा टेक हिम टू अ डेंटिस्ट एवरी मंथ, कुछ चेंजेस हो रहे हैं देखने के लिए, अगर कैंसर आ गया है तो कुछ स्टेज वन में निकाल लेंगे। One more question is that most of the ladies they spend their time in domestic work and rarely they take care of their health and most of the time they go for shopping and all other things also, they concentrate on cosmetic things also, but health wise they are neglecting. Yes, if I tell yes sir, my wife and sister in law sitting. What shopping walking you told that exactly correct. हंट बिहाइंड योर पैशन, आपका कुछ पैशन है तो उसके पीछे भागिए एंड ट्राई टू कंप्लीट इट। कोई पेंटिंग करना चाहता है डू इट, कोई बिजनेस ऑलमोस्ट 60-70 किड्स आर अफेक्टेड विथ ऑटिज्म और इनको आइडेंटिफाई कर माधव ऑटिज्म फाउंडेशन कर रहा है। आपको अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करने के लिए, अभी अक्टूबर में सबको जरूरी है, सब फीमेल को पता रहना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। सबसे पहले हमको ट्राई करना है कि ब्रेस्ट कैंसर आए ही ना, कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जी के, हेल्दी डाइट मेंटेन करके, एक्सरसाइज करके। सेकंड, आपको अपने आप को स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है ताकि हम जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर सके। उसके लिए चाहिए सेल्फ एग्जामिनेशन, सभी महिलाएं हर महीने 1 तारीख को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें और आपको लगे कि शरीर में कुछ गांठ है, कुछ स्वेलिंग है तो इमीडिएटली डॉक्टर को मिलिए। सेकंड, एवरी ईयर आपको आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स मैमोग्राम करना जरूरी है, बिकॉज एज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले ऐसा करिए कि बीमारी आए ही ना, और अगर आए तो उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर सके, तब स्टेज वन में कैंसर चांसेस मोर देन 98% होता है, और अगर लेट डिटेक्ट होता है तब हमको ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। सो धन्यवाद आप सबका, महिलाओं का जो आज उपस्थित हैं, धन्यवाद। हम लोग यहाँ माधव ऑटिज्म की तरफ से, मैं डॉक्टर स्मरण सारा और माधव ऑटिज्म की प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आज स्टार्ट किया है हमने। और मैं चूंकि ऑटिज्म एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि अभी ऑटिज्म के बच्चे बहुत ज्यादा इंडिया में पैदा हो रहे हैं, नॉट इवन इंडिया, ग्लोबली पैदा हो रहे हैं। आज इंडिया में आउट ऑफ 31 चाइल्ड इज सफरिंग विद ऑटिज्म, तो हमें पहले तो इनकी लगाम लगाने के लिए काफी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगर हर पेरेंट्स को, हर डॉक्टर्स को, हर इंडिविजुअल को ये पता चले ऑटिज्म क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक कामयाबी होगी। प्रिवेंशन के लिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान हर मदर को स्वस्थ भी रखना बहुत जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जरूरी है, विटामिन डी उनको दूध में जाना जरूरी है। इसके अलावा उन लोग को प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स घर पर रह के खुशी से रहना बहुत ही जरूरी है।
इसके अलावा अगर बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो ऑटिज्म अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर बच्चा कहीं कहने का है, आप उसको उठा रहे हैं, अगर वो स्माइल नहीं कर रहा है, आपकी तरफ नहीं देख रहा है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए। कोई जरूरी नहीं कि ऑटिज्म हो ही, लेकिन उसको एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा करके एटलीस्ट एक आपको तसल्ली हो जाएगी कि उसको प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन से बच्चे पूरे भी ठीक हो सकते हैं, इसलिए ये करना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चा जनरली इसके सिम्टम्स जो है 18 मंथ्स में पता चलते हैं, और 18 मंथ्स का बच्चा होते ही अगर रिग्रेशन स्टार्ट रहता है, वो लोग बोलते नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, एक जगह नहीं बैठ। ऑटिज्म पर बच्चों के लिए मैं उसको हाईली अप्रिसिएट करती हूँ, और डॉक्टर विपिन गोयल जी ने जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए सेशन दिया वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। मैं डॉक्टर सुमन जी और भाई दिलीप जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।